हेलो ग्लिफ इंटरफेस दुनिया ग्लिफ इंटरफेस के बारे में बात कर रही है, लेकिन आज हम बात करेंगे रियल लाइफ यूज के बारे में। चलो रखो अब ग्लिफ इंटरफेस। यार इसका रियल लाइफ यूज कितना है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा भूतकाल में जाना पड़ेगा हमें। अभी हम लोग आ चुके हैं 2015 में गाइस, और इस टाइम आप लोगों को याद है कई सारे फोन्स में ना जो ये वाली फ्लैश लाइट है, ये नोटिफिकेशन आने पे या फिर किसी के फोन कॉल आने पे ना ब्लिंक करती थी, ठीक है ना। अभी भी कई सारे फोन्स में आते हैं, ठीक है। तो ये चीज काफी सारे लोग ना टर्न ऑफ करके रखते थे, यानी इसको ब्लिंक नहीं होने देते थे। और यहाँ पे आप लोग पता है J26 आता था सैमसंग का, उसमें ना यहाँ पे कैमरा होती थी, कैमरा के साइड में ना RGB लाइट थी, तो वहां पर लाइक फोन आते थे या फिर मैसेज वगैरह आते थे तो वहां पे वो ब्लिंक करता था, ठीक है ना। वो लोग यहाँ पे डिसेबल करके रखते थे। अब डिसेबल क्यों रखते थे ये चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो डिसेबल करके इसीलिए रखते थे ना, कई बार हम लोग पब्लिक पैलेस में लाइक कहीं होटल में या फिर कहीं भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वहाँ पे काफी सारे लोग हैं, जब आपके नोटिफिकेशन या फिर फोन आते थे वो ब्लिंक होने लगता था, इसकी वजह से लोगों को ध्यान आ जाते इस फोन की तरफ और लोग उधर देखने लगते थे अजीब से, ठीक है ना। वहाँ पे थोड़ी सी ऑकवर्ड से मतलब मूवमेंट बन जाती थी, इसी वजह से जो है वो वहाँ पे इतना ज्यादा वो यूज नहीं करते थे लोग। तो नथिंग फोन 1 के साथ में भी कुछ ऐसा ही दोस्तों यहाँ पे होने वाला है। लाइक इसमें तो और भी काफी सारे लाइटें हैं, तो यहाँ पे लाइक लोगों के ध्यान और उसके तरफ जाएगा, अट्रैक्ट होगा और लोग थोड़ी सी यहाँ पे ऑकवर्ड फील होगी और थोड़ी सी चीप वाली दोस्तों यहाँ पे वाइब आएगी, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये प्रैक्टिकली यूज नहीं है। तो ना ही यहाँ पे ऑफिशियल्स को पसंद आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है ऑफिशियल्स को यहाँ पे थोड़ी सी लाइक प्रोफेशनल चीजें ज्यादा जचती है, ठीक है ना। ना ही यहाँ पे ओल्डर एज के लोगों को यहाँ पे ज्यादा पसंद आएगी और ना ही यहाँ पे गर्ल्स पे ये सूट करेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे दो तरह के लोग बसते हैं जिसपे ये सूट कर सकता है। स्टूडेंट को लाइक 50% कह सकते हो, क्योंकि 50% स्टूडेंट्स को ये चीज पसंद आएगा, 50% को नहीं आएगा। और बच्चों को भाई साहब 100% पसंद में आ सकता है। मम्मा वो लाइट वाली फोन चाहिए मुझे, मर जाओगी पता भी नहीं चलेगा तुम लोगों को देख लो। अरे वीडियो रिकॉर्डिंग लाइट, जी हाँ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड भी करते हैं तब भी यहाँ पे एक रेड सी लाइट पीछे में जलती है। जी हाँ, तो इसका प्रैक्टिकल यूज काफी ज्यादा मुझे लगा। यहाँ प्रैक्टिकल यूज कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे कि आप अपने आप को शूट करते हो, ये वाला शूट नहीं, रिकॉर्डिंग करते हो अपने आप को, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग रियर कैमरे से करते हो, क्योंकि रियर कैमरे से लाइक काफी ज्यादा बढ़िया फुटेज आती है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हमारा ऑफ एजिड में हो जाता है। तो वहाँ पे कई बार क्या होता है ना कि हमें पता नहीं चल पाता है रिकॉर्डिंग चालू है फिर नहीं, हम कैमरे के सामने में बोल देते हैं, बाद में पता चलता भाई सारी मेहनत पानी में चली गई। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, तो वहाँ पे उस लाइट की वजह से हमें पता चल जाएगा कि भाई वाकई में रिकॉर्डिंग यहाँ पे हो रही है। लेकिन ये जो रेड लाइट है ना रिकॉर्डिंग वाला, इसकी वजह से काफी सारी चीजें आपकी नुकसान भी हो सकती है। कैसे, कई बार क्या होता है ना हम लोग सामने वाले को बिना बताए रिकॉर्ड करना चाहते हैं गुड वे। जी हाँ, जैसा कि मान लो अगला झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, आपके खिलाफ, आप उसको रिकॉर्ड करना अगर चाहोगे कि अपने आप को सही प्रूफ करना है वहाँ पे, तो उसको भाई साहब रेड लाइट के वजह से आप लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। या फिर कोई गलत काम कर रहा है और उसको आप लोग रिकॉर्ड करना चाहते हो छुपके से, तो वो चीज भी यहाँ पे नहीं हो सकती है। मान लो जैसे कि ये फोन है, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चली हुई, यहाँ पे साइड में लाल बत्ती जल, यहाँ पे पॉकेट में रखोगे आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे लाइट जलेगी पता चल जाएगा अगले। ऐसे टेबल पे रखोगे लाइट जल रही है पता चल जाएगा, ऐसे हाथ में रखोगे ऐसे नॉर्मली जैसे रख देते हैं ना ऐसे, तो पकड़े जाओगे भाई। हेलो भाई साहब, ये लाइट क्यों जल रही है? वो नहीं 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 भाई साहब, वो इसमें ना बॉम्ब है, इसीलिए लाल जल रहा है। चल झूठा। अबे यार इसको भी अभी डिस्चार्ज होना था चार्ज में, अबे चार्जर तो दिया ही नहीं। नो चार्जर इन दी बॉक्स। अब काफी सारे लोग बोलेंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, काफी सारी कंपनियां नहीं दे रही है तो क्यों बोल रहा है तू। और चार्जर ना देने का रीजन आप लोगों को तो पता ही, वैसे एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं ये लोग। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग जब अलग से खरीद के मंगाते हैं ना, तो वहाँ पे भाई साहब ट्रक भर भर के पैलोथीन आती है, पन्नी आती है वहाँ पे, तो एनवायरनमेंट को तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है भाई साहब बस। तो चलो चार्जर नहीं भी दिया कोई बात नहीं, लेकिन एक और टुच्चेपनी आप लोगों को पता है नथिंग ने क्या करा है, इसका जो बैक कवर है भाई साहब वो अलग से यहाँ पे आप लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है जितने भी यूट्यूबर्स ने अनबॉक्सिंग की है तो वहाँ पे जो इसकी बॉक्स है ना उसमें सिर्फ फोन और यहाँ पे केबल निकलती है और एक यहाँ पे यूजर गाइड निकलती है, ठीक है ना। और वहाँ पे जितने भी लाइक यूट्यूबर ने अनबॉक्सिंग करा है वहाँ पे जो बैक कवर है ना वो यहाँ पे अलग से दिए गए हैं, तो यहाँ पर भी भाई साहब अलग से कवर को भी बेचा जाएगा। खर्चा नथिंग वाले तो एप्पल के भी पापा लग रहे हैं, कुछ दिन में सिम इजेक्टर टूल भी वेंचर खरीदना पड़े, जनता माफ नहीं करेगी। और क्या क्या बताऊं भाई साहब, 3.5 mm का गड्ढा भी नहीं मिला है एक मिनट। हाँ जी नथिंग वाले भैया, अबे तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, 3.5 mm जैक दे देंगे तो नथिंग एयर वन कौन खरीदेगा। मैं भी 13 rupees भेजता हूँ तुम्हारे अकाउंट। आ गए टेलीफोन पे 13 rupees आ गए, ठीक है ओके कट कर देते। एडिटर ये वाला सीन कट कर देना, पैसे आ गए।
तो हमने प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में बात कर ली है गाइस। अब हम बात करते हैं किन लोगों को ये फ़ोन लेना चाहिए और किन लोगों को ये वाला फ़ोन नहीं बाय करना चाहिए। तो यहाँ पे हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है ना, वो मिलता है स्नैपड्रैगन का 778G प्लस। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि ये स्पेशल कस्टमाइज किया गया नथिंग वालों के लिए स्नैपड्रैगन की तरफ से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मोटो S30 वहाँ पर भी हमें स्नैपड्रैगन 778G प्लस देखने को मिलता है, तो वहाँ पे कुछ भी स्पेशल नहीं है। जी हाँ, तो यहाँ पर जो 778G है ना, एक अच्छा प्रोसेसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग गेमिंग वगैरह करते हो ना तो ये फोन आप लोगों को रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप लोग नॉर्मल यूजर या फिर नॉर्मल से थोड़े से ऊपर हो, ठीक है ना, लाइक कभी कभार गेमिंग वगैरह कर ले, वाले फोन को आप लोग बाय कर सकते हो। अगर हार्डकोर गेमर हो, गेमिंग के लिए स्पेशल फोन चाहिए, तो इसको मत बाय करना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को हीटिंग का भी लाइक कोई भी व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है, चैम्बर कूलिंग वगैरह जिसको बोलते हैं। 778G प्लस जो है ना, वो इस वाले फोन की प्राइसिंग अगर 27,000, 28,000, 29,000 भी होती, 30,000 भी होती ना, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर लेता, लेकिन यहाँ पे 3,000-4,000 रुपए यहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं। आप लोग पता है 32,000 में बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे 2,000-3,000 रुपए मुझे ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि आप लोग पता है मोटो S30 है ना, उसमें सेम प्रोसेसर देखने को मिलता है और वो अभी 26,000 में आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप लोग गेमिंग के लिए फोन लेना चाहते हो तो यहाँ पे IQ Neo 6 है, जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 870 देखने को मिलता है, जो कि इससे फार बेटर प्रोसेसर है गाइस। और यहाँ पे आप लोगों को 30,000 में देखने को ये वाला फोन मिलने वाला है, तो यहाँ पे 2,000 और आप लोग सेव कर ले हुए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये फोन उन लोगों के लिए जो लोग थोड़े से लाइक नया चाहते हैं, कुछ फ्रेश चाहते हैं, ठीक है ना, क्लीन UI चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस वाले फोन में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता। काफी सारी चीजें ऐसी है जो कि इस प्राइस रेंज में जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग। जी हाँ, आप लोगों को पता है इस प्राइस रेंज में हमें देखने को नहीं मिलती है। डिजाइन वगैरह तो लाइक यूनिक है ही है, प्लस में यहाँ पे आप लोगों को लाइक सिक्योरिटी अपडेट, और यहाँ प्लस में इसके कैमरास काफी ज्यादा अच्छे हैं 50+50 का, और यहाँ पे दोनों में ही OIS का सपोर्ट दिया गया, यानी दो OIS यहाँ पे देखने को मिलता है। लाइट्स है ना, उतने यहाँ पे हैप्टिक मोटर्स भी यहाँ पे यूज किए गए हैं, और डिस्प्ले भी काफी ज्यादा अच्छे हैं गाइस, लाइक आपको आगे से काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं मिलता, चारों साइड के बेल्स बिल्कुल सेम है, क्लीन UI। तो ये सारी चीजें है ना जनरली हमें इस प्राइस रेंज में देखने को नहीं मिलती है। स्टिल यहाँ पे सारी चीजों को हम लोग ध्यान रखें तो यहाँ पे मुझे 2,000 रुपए ज्यादा लगे। यहाँ पे अगर 30,000 तक ये फोन आता ना, तो भाई सब कतई बवाल मचा के रख देता। अगर आप लोगों ने मन बना ही लिया कि भाई नथिंग फोन लेना ही लेना है, तो आप लोग एक टिप देता हूँ, आप लोग बेस वेरिएंट बाय करना, ठीक है, पर यहाँ पे लाइक कार्ड वगैरह का जुगाड़ कर लेना अपने दोस्तों से, गर्लफ्रेंड से, मम्मी से, पापा से, कहीं से भी, ताकि आप लोग 1-2,000 रुपए का और डिस्काउंट देखने को मिल जाए, लोग ये 30,000 तक फोन पड़े। लगी मुझे भूख, मम्मी खाना क्या बना है? नथिंग बना है बेटा। सब्सक्राइब करो यार।